प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या सीख लिया है। कंपनी क्या चीज है, कंपनी का मीनिंग, कंपनी के फीचर्स और प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस भी समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर पढ़ना शुरू किया था। किस चीज का प्रोसीजर? फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी को बनाने का प्रोसीजर हमने शुरू किया था। और इस प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था, स्टेप नंबर वन यानी स्टेज वन, इसे स्टेप वन या स्टेज वन कह सकते हैं। सबसे पहली स्टेज जो कंपनी को बनाने के लिए होती है वो होती है प्रमोशन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? प्रमोशन, जहां पर हम कंपनी को बनाने के सारे इंतजाम करते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? कौन बंदा इस कंपनी को बनाना चाहता है, उस कंपनी को, उस बंदे को क्या कहा जाता है? प्रमोटर कहा जाता है। स्टेज टू बेसिकली जो था वो मेन स्टेप था। अगर आपको किसी भी कंपनी को फॉर्म करना है तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन की स्टेज कहते हैं। और इनकॉर्पोरेट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेज पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। हाँ जी, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। किसको? रजिस्ट्रार को। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स आपका मेमोरेंडम हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, फीस प्लस स्टैम्प ड्यूटी। फीस प्लस स्टैम्प ड्यूटी, ये एक तरीके, स्टैम्प ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है, और फीस जो है भाई वो रजिस्ट्रार जो है, जो काम कर रहा है, वो ऑफिस जो चल रहा है इतना बड़ा, उनको अगर फीस नहीं मिलेगी तो उसका सारा कारोबार कैसे मामला बनेगा। तो फीस आपको देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको क्या दे देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्टेज वन पर आपने इनकॉर्पोरेशन की तैयारी करी, स्टेज टू पर आपने इनकॉर्पोरेशन करवा लिया, लेकिन स्टिल अभी दो स्टेजेस बचती हैं, स्टेज थ्री और स्टेज फोर। स्टेज थ्री को हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और स्टेज फोर को हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, ये प्रमोशन की स्टेज वो थी जहां प्रमोटर के माइंड में आइडिया आया था कि मुझे कंपनी बनानी चाहिए। उसने उस कंपनी बनाने से रिलेटेड सारे इंतजाम किए। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने, MOA, AOA, अदर डॉक्यूमेंट, ये सब सबमिट करने, तो ये सबमिट तो इस स्टेज पर होंगे, लेकिन ये बने कौन सी स्टेज पर होंगे? प्रमोशन की स्टेज में, क्योंकि सारी तैयारी कब की गई है? प्रमोशन स्टेज पे की गई है। लेकिन ना मेरे लिए प्रमोशन की स्टेज इस चैप्टर के लिए इतनी रेलेवेंट है, ना ही इनकॉर्पोरेशन की स्टेज मेरे लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेज है इस चैप्टर के लिहाज से, वो क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या है भाई? भाई कंपनी बन के तैयार है, कंपनी बन के तैयार है इनकॉर्पोरेशन की स्टेज के बाद, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप अगर स्टेज फोर पर जाना चाहते हैं, स्टेज फोर क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का शुरू करना। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होना चाहिए? ओनर को बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे भाई? समझ आती है बात या नहीं आती? और कंपनी के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं कि कंपनी के अंदर कोई एक बंदा नहीं होता जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। कंपनी के केस में क्या होता है भाई? कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है, सुनिए, कंपनी कहती है भाई देखिए, हमें कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपए। क्या चाहिए भाई? 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। और इस 10 लाख रुपए के कैपिटल को कोई एक बंदा नहीं देने वाला। कंपनी क्या करती है? इस कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ देती है, टुकड़ों में तोड़ देती है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हर एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए होगी। कितने की होगी?
तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी ने 10 लाख की कैपिटल को कितने में तोड़ दिया, 10,000 शेयर्स में। क्या इसमें तोड़ दिया? 10,000 शेयर्स में। अब अगर कंपनी को ये 10 लाख की कैपिटल चाहिए तो कंपनी को जनरल पब्लिक को 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कंपनी जनरल पब्लिक से कहेगी, जनरल पब्लिक से कहेगी कि हम आप लोगों को 10,000 शेयर्स देंगे और आपको हर शेयर के बदले हमें कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए देने। इससे कंपनी के पास क्या होगा? 10 लाख का कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा। 10 लाख का कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बंदा इस 10,000 शेयर में से 100 शेयर ले लेता है, कोई 200 शेयर ले लेता है, कोई 500 शेयर ले लेता है, कोई 2,000 शेयर ले लेता है, कोई 5,000 शेयर ले लेता है। समझ आती है बात? ये नहीं, ऐसे करते करते सब लोग क्या खरीदेंगे? कंपनी के अंदर शेयर खरीदेंगे और शेयर खरीद के कंपनी को क्या देंगे? पैसा देंगे। और कंपनी इन 10,000 शेयर्स को बेचकर कितना कैपिटल कमा लेगी? 10 लाख का कैपिटल कंपनी के पास इन्वेस्ट हो जाएगा। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जब कंपनी क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। हाँ जी, शेयर्स को इशू करने के बाद लोगों को, अगर इन शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लोगों को क्या करना पड़ता है? इन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर मैं कहीं पर भी सब्सक्राइब वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर क्या शो कर रहा है? इंटरेस्ट। क्या शो कर रहा है? इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मुझे इस कंपनी में शेयर्स चाहिए, मुझे इस कंपनी में क्या चाहिए। और अगर मैंने उनको शेयर्स दे दिए तो मेरी कंपनी के शेयर्स उन लोगों के हो जाएंगे और उन लोगों के शेयर खरीदने की वजह से मेरे पास क्या इकट्ठा हो जाएगा? कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा? इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कि हम लोगों को शेयर्स इशू करें और वो लोग इंटरेस्ट शो कर उन शेयर्स को खरीदें और क्या दें हमको? कैपिटल दें। और इसी स्टेज को क्या कहा जाता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हाँ, समझ आई बात? या नहीं तो आप यहां पर लिखेंगे। लिखवा दिया था मैंने। क्या लिखवाया था? हाँ देखो भाई, ये एक बात मैंने लिखवा दी थी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब था कि हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्यों इशू कर रहे हैं? ताकि हम कैपिटल रेस कर सके, ताकि हमारे पास कैपिटल आ सके। समझ आई बात? या नहीं? अच्छा सर, ये आपने एक बात और लिखवा दी पिछली क्लास में कि ये स्टेज सिर्फ किसके लिए रिलेवेंट है? प्राइवेट कंपनी के लिए क्यों नहीं है सर? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे तो तीसरा पॉइंट प्रोहिबिशन का है कि वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती और जनरल पब्लिक उनके कैपिटल के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी तीसरी स्टेज में आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। वो चौथी स्टेज में डायरेक्टली दूसरी स्टेज के बाद पहुंच सकते हैं। वो अपना बिजनेस स्टेज टू के बाद से ही क्या कर सकते हैं? कमेंस कर सकते हैं। उन्हें कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। बात मेरी समझ आती है नहीं आती? सबसे मैं सवाल का जवाब चाहता हूं भाई, मुझे बताइए सब, आपको मेरी बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। यस सर। देखो बेटा, मैं आपको एक एमसीक्यू लिखवा रहा हूं, लिखें एक एमसीक्यू लिख। विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट for the company? A, memorandum
ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न है सॉरी, बिल ऑफ एंट्री, डी सी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ जी आंसर क्या है? सी सर, सी पार्ट, बिल ऑफ एंट्री। सर पहले तो ये बताइए ये तीनों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैसे हैं? भाई देखो जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हैं ना, तो अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, इसे तो कहते हैं चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट, लिख सकते हैं आप इसके साथ। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं भाई? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इन दोनों को सबमिट किए बगैर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो सकती। और जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपके पास इनकॉर्पोरेशन का प्रूफ बताऊं क्या होता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ जो रजिस्ट्रार देता है, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल ऑफ एंट्री क्या है? ये तो जब है जब आप कुछ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं। बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पर यूज होता है डॉक्यूमेंट। सर इस डॉक्यूमेंट का होना क्या जरूरी? भाई अगर हमारी कंपनी करती नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ये कहां से रेलेवेंट हो गया? ये तो किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। पर बिल ऑफ एंट्री का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो किसी भी फॉर्म के पास हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके पास बिल ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट पॉसिबल है। समझ आती है बात? ये नहीं आती तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे? ये तीन थे। बात समझ आती है? नहीं आती? बेटा ये देखो तीन बातें, ये तीन डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखना, चौथा को कुछ भी घुसेड़ देंगे बीच में। अब आपको मैं एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। पढ़ें लिखें प्रोस्पेक्टस, इधर देखें भाई सभी। हाँ जी इसके बारे में बताने जा रहा हूं प्रोस्पेक्टस लिखें। अ पब्लिक कंपनी issues prospectus to general public for inviting applications for shares issued it specifies the terms and conditions relating to issue of securities, for example, price of share, date of allotment, etc. लिख लिया हो तो बता दीजिएगा फिर मैं समझाऊंगा। डन। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पर सिर्फ एक ही कंपनी का नाम लिखा पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी का प्रोस्पेक्टस से कोई लेना देना। असल में मैं अभी कौन सी स्टेज पर हूं? कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज पर। कौन सी स्टेज पर हूं? तो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी का यहां पर कोई लेना देना है ही नहीं। प्राइवेट कंपनी थर्ड स्टेज पे जाती नहीं,
क्योंकि जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इश्यू नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पब्लिक कंपनी की। देखो बेटा एक बात सुनो, आप लोगों को मालूम है अगर मुझको जनरल पब्लिक से पैसे मंगाने हैं तो क्या जनरल पब्लिक से पैसा कैसे मंगाओगे आप? कंपनी की छत पे चढ़ जाओगे, चिल्लाओगे वहां से, हाँ भाई जो जो जा रहा है यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है माइक लगवा देता हूँ मैं, हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करने चाहते, जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदेगा वो बहुत फायदे में जाएगा, या व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दे या कुछ कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें, है ना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी के लिए, कंपनी के शेयर्स के लिए क्या करें, तो उनको इनवाइट करना नहीं पड़ेगा आपको कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए क्या कीजिए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे आप, समझ आती है बात ही? आप उन लोगों को इनवाइट करेंगे कि प्लीज हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए, समझ आती है बात या नहीं? इसे कहा जाता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? लोगों से कहते हैं हम कि आप अप्लाई कीजिए हमारे पास, अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उन्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनविटेशन। और वही इनविटेशन एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है। वही इनविटेशन किसके थ्रू दिया जाता है? एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है, और उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ये कौन इशू करती है? पब्लिक कंपनी इशू करती है। किसको इशू करती है? जनरल पब्लिक को इशू करती है। क्यों इशू करती है? फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स इशू। जो आप शेयर्स इशू करने जा रहे हैं उनके लिए आप उन्हें क्या देते हैं? एक इनविटेशन देते हैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, प्लीज हमारे शेयर्स के लिए क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। अजान हो रही है बेटा, एक्सचेंज, ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को प्रोस्पेक्टस क्या चीज है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो इनविटेशन के लिए है कि भाई आइए हमारे पास शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए। और कौन करता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं इशू कर सकती प्रोस्पेक्टस? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से शेयर्स मंगाई नहीं सकती, मतलब शेयर्स इशू उन लोगों को कर ही नहीं सकती। अच्छा सर, ये जो प्रोस्पेक्टस है आप इसे एक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, ये एप्लीकेशंस इनवाइट के लिए यूज होता है, इस पर होता क्या है बेटा? ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है आपको कि जो आप जो मतलब जो हमारी कंपनी सिक्योरिटी इशू करने जा रही है ना, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा कि वो जो शेयर हम इशू कर रहे हैं वो कितने का होगा, तब तक आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आपने अप्लाई कर दिया तो कितने दिनों के अंदर हम आपको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। उसे कहा जाता है अलॉटमेंट। क्या कहा जाता है? आप अप्लाई करेंगे, हमें ठीक लगेगा तो हम आपको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, अलॉट कर देंगे। तो सारी चीजें बताई जाती हैं कि कितने दिन के अंदर। रिलायंस भी तो प्राइवेट, बेटा रिलायंस पब्लिक कंपनी है, कौन कह रहा प्राइवेट कंपनी? रिलायंस पब्लिक कंपनी, किसने कहा प्राइवेट कंपनी? बेटा पब्लिक कंपनी का मतलब आप ये तो नहीं समझ रहा गवर्नमेंट से कोई लेना देना पब्लिक का? गलती से भी मत समझ लेना, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक अलग चीज है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक अलग चीज है। ये बात बताई भी थी मैंने कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात करता हूँ तब मैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ, कि पब्लिक सेक्टर का रोल किसमें? गवर्नमेंट में। मतलब गवर्नमेंट का रोल किसमें? पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ये दोनों, हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को पब्लिक कहने का रीजन इसलिए नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। पब्लिक कंपनी को पब्लिक कहने का रोल क्या बनता है भाई? हाँ जी, कि इसके अंदर जनरल पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, जनरल पब्लिक को हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हैं। समझ आई बात? चलिए, बहरहाल जो मैं आपसे कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक पब्लिक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों से क्या कहती है कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स परचेज कीजिए। लेकिन सर उस डॉक्यूमेंट पर होता क्या है? तो मैंने कहा वो इश्यू से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन टर्म्स एंड कंडीशन को किस पे लिखा जाता है? प्रोस्पेक्टस पे। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सर हम 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, कहाँ लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस पे। कब तक अप्लाई करना है? डेट लिखी होगी प्रोस्पेक्टस पे। हम जब अप्लाई कर देंगे तो हमें शेयर्स कितने दिनों में अलॉट हो जाएंगे, कहाँ लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस।
अच्छा हम जो आपकी कंपनी को पैसा देने वाले हैं वो पैसा आप कौन से बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे, कहां लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस। समझ आई बात नहीं? हम जो आपकी कंपनी को पैसा देने वाले हैं आप उस पैसे का क्या करेंगे, कहां लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस। अगर आपकी हम आपको पैसा देते हैं ये टोटल, तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर कर कितना रिटर्न दे सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है, कहां लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस पे। आपकी कंपनी किन बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, कहां लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस पे कंपनी हर एक चीज समझा रही है, हर एक रीजन दे रही है कि एक शेयर होल्डर को क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ आती है बात या नहीं आती? और आप ये मत समझिए कि प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही होता है, एक एडवर्टीजमेंट भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है। अखबारों में आता है, नहीं आता कि कंपनी के शेयर इशू हो रहे हैं, तो वो जो एडवर्टीजमेंट का वो टुकड़ा है ना, वो एडवर्टीजमेंट भी क्या कहलाया जाएगा? प्रोस्पेक्टस। क्योंकि लॉ के हिसाब से प्रोस्पेक्टस उसे कहा जाता है कि जो भी चीज लोगों को इन्फ्लुएंस करे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रोस्पेक्टस कहलाती है। वैसे तो एक डॉक्यूमेंट अलग से तैयार होता ही है, एक बुकलेट तैयार होती है प्रोस्पेक्टस के नाम की, लेकिन लॉ के हिसाब से सारी चीजें जो शेयर्स के लिए इन्फ्लुएंस करे, शेयर्स परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस करें, वो सारी डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? प्रोस्पेक्टस कहलाते हैं। समझ में आती है बात या नहीं? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से आप सभी को प्रोस्पेक्टस का मतलब क्लियर है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा ये सारी थ्योरी पढ़ाने का रीजन आप बताएं क्यों समझ रहे? अब तक मैं आप ये मैं समझे, मैं आपको पहले से ये कोई पहला बैच है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, चाहे पेपर में आए या ना आए मैं थ्योरी सबको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी नॉलेज का होना जरूरी है। और आप एमसीक्यू ने तो इसको और जरूरी कर दिया, क्योंकि जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बने। समझ में आती है बात? चलिए अब बात हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की करते हैं। किसकी करते हैं? क्या क्या प्रैक्टिकल? अब प्रैक्टिकल से तो भरा पड़ा हुआ है चैप्टर, उसी की तो तैयारी चल रही है अभी तो। बेटा आपने 2% भी नहीं देगा इस चैप्टर को। हाँ जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज है ये? देखो बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तसल्ली से। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए? अब होता क्या है, 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन आने का क्या मतलब है? लोगों ने क्या शो किया है? अपना इंटरेस्ट। क्या किया है? इंटरेस्ट। और जब लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो उसी को कहते हैं शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना। क्या कहते हैं? शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना। आपने 10,000 शेयर्स इशू किए, लोगों ने कितने शेयर्स में इंटरेस्ट शो किया? 8,000 शेयर्स में इंटरेस्ट शो किया। यानी अगर 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो कितने शेयर्स के लिए इंटरेस्ट शो किया लोगों ने? 8,000 शेयर्स के लिए। तो मैं कहूंगा कि लोगों ने 8,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए। कितने? 8,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए। एप्लीकेशन देकर इंटरेस्ट शो करने का मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइब करना। क्या करा सर? लेकिन जो 2,000 शेयर्स हैं उनके लिए किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, यानी वो अनसब्सक्राइब्ड रह गए। क्या रह गए? अनसब्सक्राइब्ड रह गए। क्या करें? 8,000 शेयर्स, जितने शेयर्स के लिए लोगों ने क्या किया? इंटरेस्ट शो किया, सब्सक्रिप्शन दिया। एक काम करते हैं, उनको शेयर देते हैं और कहानी खत्म करते हैं। अब 2,000 शेयर्स के लिए नहीं अप्लाई किया, क्या हो? कोई बात नहीं, 10,000 शेयर्स पर 100 रुपए मांग रहे थे, 10,00,000 का कैपिटल चाहिए था हमें। कोई बात नहीं, 8,000 शेयर्स पर 8,00,000 का कैपिटल आ गया, इसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अरे ना से हाथ हो है। लॉ कहता है बेटा जरा सुन जाओ, समझ जाओ, ये जो 2,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अनसब्सक्राइब किया ना, इसे इतनी छोटी बात मत समझो। बेटा आपने एक पता नहीं बॉडी का नाम सुना हो या ना सुना हो, उसका नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है सेबी की? सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको बिजनेस स्टडीज में भी सुनने के लिए मिलेगा ये नाम। फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक चैप्टर है, आपके सेकंड टर्म में आएगा वो, तब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए सुनिए। हाँ, बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक मकसद होता है। जैसे देश के अंदर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अपना एक काम है, समझ आई? आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो, यानी हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो देश का सेंट्रल बैंक है, और वो कितने टास्क परफॉर्म करता है, बहुत से फंक्शन है उसके। देश के अंदर एक और संस्था है जिसका नाम है IRDA, क्या है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पता नहीं आपने 11वीं में इसका नाम सुना हो या ना सुना, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कौन सी है, इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितनी भी बैंकिंग कंपनी है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, आरबीआई के। जितने भी बैंक है हमारे देश में किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, आरबीआई। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, आईआरडीए के अकॉर्डिंग। समझ आई बात? नहीं, और भी बहुत सी बॉडीज है। ठीक है, इसी तरीके से जितना भी सिक्योरिटीज का लेना देना है, क्या है भाई, सिक्योरिटीज का खरीदना, सिक्योरिटीज का बेचना, सिक्योरिटीज का इशू करना, एक कंपनी को, कंपनी लॉ को तो ध्यान में रखना ही होता है, साथ में एक बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी ध्यान में रखकर काम करना होता है। समझ आती है बात? ये पहले सेबी के पास कोई पावर नहीं हुआ करती थी कि कोई कंपनी सेबी को इतनी ज्यादा इज्जत दे, लेकिन आपने एक मूवी भी आई थी अभी, एक वेब सीरीज भी आई थी जिसका नाम वो क्या था, स्कैम 1992। समझ आई बात? ही नहीं, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था ना, उसके अंदर बहुत तगड़ा। उसके बाद से इस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा क्या मिल गई है, महत्व मिल चुका है एक तरीके से। तो जो भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, इनसे रिलेटेड कोई मैटर होता है, उस चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, सेबी बनाता है। तो अगर कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है और पैसे मंगाना चाहती है, तो सिक्योरिटीज इशू करते वक्त कंपनी को दो तरीके, दो चीजों पर ध्यान देना होता है, एक तो कंपनी लॉ क्या कहता है, दूसरा सेबी क्या कहता है, दूसरा सेबी क्या कहता है। तो अगर मैं आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई बात बताने जा रहा हूं, तो वो बात कंपनीज एक्ट ने नहीं करी है, वो बात किसने करी है, सेबी ने करी है। समझ आई बात? ये नहीं, और सेबी कहता है कि अगर 90%, अरे अभी कुछ लिखो मत, मैं लिखवा दूंगा, 90% ऑफ शेयर्स इशूड की सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं आई, तो आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी जैसे अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू करें, तो कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए आपके पास क्या आनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। अगर 9,000 शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी, तो आपको वो सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। नहीं, सेबी को नहीं, जिन लोगों से लिया उन्हीं को वापस करना पड़ेगा। सेबी कहता है कि 90% लोग, कम से कम 90% शेयर्स के लिए इंटरेस्ट लोग आपकी कंपनी में दिखाने चाहिए। इसी को कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, 90%। क्या आनी चाहिए भाई, 90%। हाँ, ये कंपलसरी। समझ आई बात? ये नहीं, सर मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत खर्चा किया और 90% नहीं आई, 89% आ गई। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज शेयर्स इशू करने से पहले कुछ लोगों को तैयार रखती है कि भैया देखो, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हो पाई ना, तो हमें पैसा वापस करना पड़ जाए, और वो चीज हम चाहते हैं। तो अगर किसी भी हालात में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होती है, तो जितने से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम पड़ेगी, उतने शेयर्स तुम्हें लेने पड़ेंगे। कंपनी ऐसे लोगों को तैयार करके रखती है, और इन्हीं लोगों को कहा जाता है अंडरराइटर्स। क्या कहा जाता है, अंडरराइटर्स। हाँ, पहले से ही तैयार होते हैं, और ये ऐसा करने, ये रिस्क लेते हैं, मतलब आपकी कंपनी का जो रिस्क है, वो रिस्क क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कवर कर रहे हैं। क्योंकि भाई मान लो इतनी तैयारी करी भाई, शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस छपवाए, दुनिया जमाने में प्रोस्पेक्टस बांटे, इतना सारा एडवर्टीजमेंट किया,
बहुत सारा खर्चा किया, आसान थोड़ी है शेयर इश्यू करना भी, खर्चे करने पड़ते हैं पहले। खर्चे करने के बाद कंपनी जब शेयर इश्यू करने की बारी आई, पैसे रिसीव करने की बारी आई, 1% से मामला खराब हो जाए, 10% से मामला खराब हो जाए, तो एक तो पैसा आया भी नहीं, वापस चला गया, ये तो वाली बात हो जाएगी, हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, ठीक है ना, वही कहानी हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले से ही अंडरराइटर्स को तैयार किया जाता है कि अगर कोई भी गैप रह जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन में तो आप लें। लेकिन सेबी तो कह के रखेगा ना, अब आप कैसी भी तैयारी करो, सेबी कहता है कितना परसेंट होना चाहिए, 90% होना चाहिए। समझ आती है बात या नहीं आती, कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलो मैम मैं लिखवा देता हूँ उसे, आप लिख लीजिए। हाँ 1% को भी नहीं करता भाई, हर कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती थी वैसे पहले से, अब चाहे अंडरराइटर्स की जरूरत पड़े ना पड़े आपको अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, और उनको अब जब वो आप उनको अपॉइंट करके रखोगे तो फिर वो आपसे कमीशन भी लेंगे। समझ आई बात, कमीशन लेते हैं वो। लेकिन अब बिजनेस शुरू करो, एज पर सेबी, एज पर सेबी कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ शेयर्स इशूड बिफोर अलॉटमेंट। शेयर्स अलॉट करने से पहले एक बात की इंश्योरिटी कर लेना कि आपके पास कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई हो, 90%। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी, ज्यादा हो सकती है, ज्यादा में तो कोई नहीं। इफ कंपनी कुड नॉट बी एबल टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन then company cannot allot its shares and amount will be refunded। शेयर्स खरीदने से प्रॉफिट नहीं होता, जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं आपने उसको अपना पैसा दिया है आपने, अगर वो कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा शेयर्स खरीदने पर। समझ आई बात या नहीं? कंपनी क्या करेगी, आपका पैसा लेगी, उसे बिजनेस में लगाएगी, बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट को जिन्होंने पैसा लगाया है उनको क्या करेगी, बांटेगी, और उसी को डिविडेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए जी, आप सभी को मेरी बात क्लियर है या नहीं? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। प्रोस्पेक्टस क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, आप सभी को समझ आ गया? यस सर। एडमिशन की वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों अपलोड करूंगा मैं आज की क्लास में, आपको शाम से पहले पहले देख लेनी होगी, एडमिशन की नहीं देखेंगे। हाँ।